জেরেঙা পথারত এহরিয়া তপতেল ৰেতিনা তপতেল ধৰিলা সুধে তাইক স্বামী কত বুলি নক স্বামী কথা নহয় বিধবা নক স্বামী কথা নহয় বিধবা हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो ब्लॉग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वापस से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ नागालैंड। हमारे घर से नागालैंड जो है वो 450 किलोमीटर के आसपास है, तो काफ़ी दूर है। और मैं घर से निकल के आया हूँ 12:30 बजे के आसपास, और अभी मैं गुवाहाटी जालुकबारी तक पहुँच गया। मेरे सामने है जालुकबारी ब्रिज, और मैं जा रहा हूँ ये बाइक लेके। ये रहा मेरा बाइक। सबसे खास बात यह है कि मैं कोहिमा जा रहा हूँ, वो भी बाइक लेके और सोलो। ये भी मतलब कि अकेला जा रहा हूँ बाइक लेके, वो भी कोहिमा। कोहिमा तो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन है, और वहाँ से पूरा नॉर्थ ईस्ट तक भी हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे जाकर सोचेंगे। और कोहिमा से मुझे कहाँ जाना है, सबसे पहले मैं कोहिमा जाता हूँ, कोहिमा को एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ जाना है मुझे। अभी यहाँ पर थोड़ा रुका था, ये काफ़ी सुंदर सा जगह है। तो कैसे अभी जल्दी से चलते हैं, और आगे जाकर सबसे पहले कुछ खाना पीना करेंगे, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। और कुछ खा पी के एक नौगांव के लिए निकलता हूँ। ये है अनारस। नहीं नहीं, अपना कौन है? तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा रुका हूँ 2-3 मिनट के लिए, और ये खा रहा हूँ। अभी मजेदार चीज है, फ्रूट्स है। इसको इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मज़ा आता है। ये अनारस है हमारा, जो लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं। तो ये पे थोड़ा रुका हूँ और ये खा रहा हूँ। ये जो है मेरे सामने, ये पर पैकेट 10 रुपीस है, ज़्यादा दाम नहीं है, मज़ेदार है। पूरा नींबू और नमक से मिक्स करके ये बनाया है। तो गाइस, मैं कोहिमा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, और अभी तक नौगांव नहीं पहुँचा, मतलब 20 रास्ते में हूँ। और जाते जाते एक बहुत ही अच्छा सा एक मज़ेदार चीज़ मुझे मिला रास्ते पे, तो मैं थोड़ा रुक गया, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये मज़ेदार चीज़ क्या है। ये है पृथ्वी, ये है आग। वाह, क्या बनाया है, मज़ा आ गया देख के। ये गेंडा राइनो। सुंदर से कलाकारी इन्होंने किया है, मतलब मजा आ गया देखे। मैं रास्ते से जा ही रहा था, तो भी मैंने रुक गया, क्योंकि ना एकदम हूबहू बनाया है। ये बुद्धा, जो बुद्धा देव है वो, अरे है यीशु क्राइस्ट। राइनो, क्या मजेदार चीज बनाया, मजा आ गया देख के, मजा आ गया यार। तो अभी चलते हैं आगे, थोड़ा रुका था यार। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी जल्दी नौगांव की ओर चलते हैं। कोई मैं तो जाकर पहुंचना मुश्किल है, आपको जान का नहीं जाऊँगा, मतलब तो नौगांव पे जाके ही रुकूंगा। ये फाइनल डिसीजन अभी कर लिया, तो भी नौगांव पे जाके रुकना पड़ेगा, वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, मतलब
नेक्स्ट कहाँ पर रुकना है तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं यादव गाँव, और अगर मज़ेदार और चीज़ मिले जल्दी जल्दी तो दिखा कर आऊँगा, देखते रहिए। थैंक यू। तो चलते हैं अभी जल्दी जल्दी नौगाँव। अभी 3 बज रहे हैं और अभी रास्ते पे और कहीं पे भी नहीं रुकूंगा, अब सीधा नौगांव जाकर ही रुकूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा मजेदार जगह था, चलिए यहाँ पे थोड़ा रुका है। इस साइड में काफ़ी मजेदार व्यू है, और जितना जितना मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ मुझे मिल रहा है थोड़ा पहाड़ इतना मजेदार, दूर से दिखने में बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़, और धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर रहेंगे मज़ा आ जाएगा। कोहिमा जाते हैं, कोहिमा नागालैंड घूम के, तो चलते हैं अभी। नौगांव मेन टाउन पहुंचने में 50 किलोमीटर बचा है, पहुंच जाएंगे। तो बहुत ज़ोर से भूख भी लगा था, तो अभी आ गए एक होटल में, काफ़ी सुंदर सा एक होटल है ये। वाह, और आ रहा है तो ठीक है, अभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और उसके बाद नौगांव चलते हैं। चार बज गए हैं अभी, और अभी जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसे खाना पीना सब कुछ सही था, पर गर्मी बहुत है तो निकलता हूँ अभी यहाँ से। इस तरफ से तो मैं आया हूँ, अभी इस तरफ जाना पड़ेगा मुझे नौगांव की ओर। अभी मैं मुरीगांव डिस्ट्रिक्ट पे था, ये होटल था, खाना पीना किया, ऐसा लगा। और ये रहा मेरा बाइक। तो गाइस चल रहा हूँ नौगांव की ओर, अभी तक मैं मुरीगांव पे हूँ और नौगांव मेरे सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच ही गया। और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ मिला रास्ते से जाते समय, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और ये जो चीज़ है ये सब, पहले ये बता देता हूँ कि ये पेड़ के नीचे ऐसा बांध के बैठे रहने से मज़ा आ जाता है, मतलब हवा मिलता है। ये इतना सुंदर सा ये जो बेम्बू का चीज़ें है, ये बेत का है, ये सब बेत का है, बैठने के लिए है ये। सभी चीज़ें बेम्बू का है, बांस का, अपने नेचुरल चीज़ों के से बना हुआ है। तो गाइस मैं आते आते अभी नौगांव आ गया है। नौगांव आप कर एक फर्स्ट सबसे पहले मैं एक रूम लिया, क्योंकि अभी इवनिंग टाइम हो ही गया है एक घंटे तक, तो और जल्द से जल्दी मैं रूम ले लिया। अभी थोड़ा फ्रेश होंगे, कपड़ा वगैरह खोल के हाथ पैर धोना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा इवनिंग तो हो ही गया, तो भी थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे नौगांव जो है, ये नौगांव थोड़ा देख इधर उधर घूमेंगे, ऐसे ही बाइक लेके थोड़ी ना आएंगे। वो बाइक मेरा खड़ा है वहाँ पे, और अभी मेरा रूम में दिखाता हूँ। यही है होटल, और ये है इस साइड में, ये रहा मेरा रूम। तो गाइस मैं होटल पार्क में रुका हुआ अभी एक दिन के लिए, कल सुबह निकलेंगे कोहिमा के लिए। बस अभी थोड़ा, अभी तो बहुत गर्मी लगा है तो रेस्ट लेंगे। सब कुछ चकाचक कलर वगैरह करके रखा है, बहुत ही सुंदर होटल फाट। यहाँ पे आकर एक इंटरेस्टिंग भैया से मुलाकात हुआ मेरा, और वो भैया का नाम है कुमार राज, और ऐसा मतलब कि अच्छा गाना भी गाते हैं, तो थोड़ा गाना आपको सुनाएंगे भैया के मुँह से। तो भैया गा के प्लीज सुनाइए। नमस्कार, मैं एटी गान गाम जेरेगा पथार सती जयमती विषय। डीप रोमिंग चेनेल तो आप लोग सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर पारे शेयर कर दी। जेरेगा पथार कने जयमती हापानर स्वामी बुली
আশীর্বাদ করা দূরণীরে পড়া, আশীর্বাদ করা দূরণীরে পড়া, ল চরণরে ধূলি ঐ ল চরণরে ধূলি, এ হরি দুষ্ট লড়াত যাই সদঙকে লগাই জয়মতীক মাতিয়ানিলা, জেৰেঙা পথাৰ টানি লৈ যাই, জেৰেঙা পথাৰ টানি লৈ যাই শিমৰু গছে বান্ধিলা, ঐ শিমৰু গছে বান্ধিলা, জেৰেঙা পথাৰত এ হৰি তপতেল ভেটিলা তপতেল ধানিলা, সুধে তাইক স্বামী কত বুলি নক স্বামী কথা নহমই বিধবা, নক স্বামী কথা নহমই বিধবা, মরি যাম হাতে জুকুরি ঐ মরি যাম হাতে জুকুরি, জেৰেঙা পথাৰত। যদি গানটো ভাল লাগে শেয়ার কৰি দিব। ওয়াও কিমান ধুনীয়া গান গাইছে ভাইয়া, বহুত আচ্ছা গানা গায়ে আপনি। তো গাইজ দেখি সকতে হো ভাইয়া গানে কিতনা আচ্ছা গানা গায়ে, মেয়ে ইতনা হোপ নেই কিয়া থা লেকিন ভাইয়া নে বহুত আচ্ছা গানা গায়ে। থ্যাংক ইউ, যেনকা যেনকা গান গাইছে আপনি, মই আগতে যেবিলাক পড়িছিলো সেই আগতে মানে ধরকসুন ক্লাস ফোরত থাকতে জেরিঙা পাথরের যেগুলো থাকে এটা একটা বস্তু মনে পড়ে, জয়মতির কথা, জয়মতির কথা এতেও মনে পড়লে রংতে খারাপ হয়ে যাবে। তো গাইছে যে ভাইয়া হে ভাইয়ার নে জেসা গানা গায়া হে পেহলি ওয়ালা বহুত আচ্ছা লাগা, আর ভাইয়া কো রিকোয়েস্ট করেঙ্গে কি ভাইয়া আর এক গানা শোনা দে, কিউকি ইতনে দূর সে মে আয়া হু আর ভাইয়া কো এসা মিল গয়া আর কবি মুলাকাত হোগা নেই হোগা ও নেই পতা, তো ভাইয়া কো আর এক রিকোয়েস্ট করেঙ্গে কি ভাইয়া আর এক গানা গা কে হাম লোগো কো শুনায়। ঠিক আছে, মই নীলদা এটা এটি গান গাবলৈ বিচাৰিছোঁ, গাইছোঁ, খুবেই জনপ্ৰিয় গান, মোৰ ভাল লগা গান। অ তিতি তিতা পাত মুখতকে মিঠা মাত, চুকু চুকু পৰিলে মিচিকি আহিলে বিজুলীতে লাগে জায়গাত, অ যিটি ভাৱনা চলে পুৰে মোৰ গাত, সপোনতো দেখিছোঁ তীৰ্থকতো দেখিছোঁ পগলাতে হ'লো মই চা, সিহঁতে ক্ষিপেটলৈ নাযায় ভাত শুনিছনে মুখৰ নোলাই মাত, সিহঁতে ক্ষিপেটলৈ নাযায় ভাত শুনিছনে মুখৰ নোলাই মাত, ভাবি ভাবি চিন্তা জ্বৰ উঠিছে, চিন্তা জ্বৰ উঠিছে গাত, পাখাৰে পাখাৰে বগাই কৈ আনি দিম পাহাৰীয়া কপ ফুল, তাতে তয়ো খোজাচিবি ফুলাম কৈ বিষুৱাম খানি লৈ কলি যাৰিব, সেই দেখি পেটলৈ নাযায় ভাত শুনিছনে মুখৰ নোলাই মাত, মই নাজান পালি নেগুমান বুকুতোৰে ধু মৰমৰ মান মোৰে, মই নাজান আৰুনো কিমান থাকিম তোৰে ৰৈ ভাঙি মুভিমান, সে দেখি পেটলৈ নাযায় ভাত শুনিছনে মুখৰ নোলাই মাত, ভাবি ভাবি চিন্তা জ্বৰ উঠিছে, চিন্তা জ্বৰ উঠিছে গাত। নমস্কাৰ, বহুত ভাল গান গাইছে, ঠিক আছে, আচ্ছা বহুত ভাল লাগিল, অলপ চেষ্টা কৰিব হা। তো গাইছে ইয়ে হে ৰুম জো হোটেল মেনে লিয়া হো, ইয়ে ওপৰ ৰহা হে পাংখা লাইট ইস তৰফ এসা কুছ হে, হোটেল কা নাম জো হে ইয়ে হে হোটেল কা নাম হোটেল প্রীত, ইয়ে তো গাইছে জো হোটেল হে, হোটেল পে মে আ গয়া আবি নাহা দো কে একদম ফ্রেশ হো গয়া, আর ফ্রেশ হো কে আবি মোবাইল কো থোড়া চার্জ করেঙ্গে, চার্জ করনে কে বাদ মে খানা খানে কে লিয়ে যাউঙ্গা বাহার, তো থোড়া বহুত খা পি কে আগে ভিডিও এডিটিং করকে কাল আপলোড কর দেবে এস ভিডিও কো, আগে নেটওয়ার্ক আচ্ছা রা তো কাল সুবহ 8 বাজে মিল জায়েগা। তো গাইস এই হোটেল আর হোটেল কো থোড়া মে থোড়া বাহার ভি দিখা দেতা হু, ইয়ে কেসা হে হোটেল কা সিন নজর আয়া, ইয়ে
ये है बाहर साइड का नज़रिया और ये होटल से ये ऊपर नौगांव पे आकर एक ब्रिज मिलेगा, उस ब्रिज के पास ही है ये वाला होटल। तो ऐसा कुछ है यहाँ का सीन नज़रिया, और यहाँ पे खाना वगैरह यहाँ पे मिल जाता है होटल के अंदर। और इस साइड से इस साइड में भी बहुत सारे रूम है, और इस साइड में आकर मेरा जो रूम है ये है 49 नंबर रूम, या 49 लिखा हुआ है 49। तो रूम के अंदर का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है ये। तो इसको मैंने लॉक कर देता हूँ। तो गाइस ये था होटल का भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश किया, दिखा भी दिया, होटल प्रीत। ओके, नौगांव पे होटल प्रीत। और इसका कॉस्ट क्या अगर बात करो तो मुझे वन नाइट स्टे के लिए मैंने बुक किया, और उसके लिए मुझे पे करना पड़ा 350 रुपीज़। होटल बुक करना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाइक लेके आया हूँ, बाइक का भी सेफ्टी सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए मतलब अच्छा सा होटल घूम के फाइनली मैं इस होटल में आ गया। और मेरा जो बाइक है, बाइक ये जो होटल है, होटल का ही एक पार्किंग है थोड़ा दूर है, वहाँ पर बाइक को पार्क करके आ गया। मतलब होटल के बंदे को साथ में लेकर गए थे वहाँ पर, और अच्छा से बाइक को पार्क करके दोबारा होटल में आ गए। तो फाइनली होटल का नज़रिया सब कुछ दिखा दिया। और ऐसे है ये जो ब्लॉक होगा, ये जो मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाला सीरीज़ आएगा, ये सीरीज़ में काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो वैसे कल तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा नौगांव से कोयमे के लिए। तो वैसे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एंड आज के ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।